नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। और दोनों तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिव भी और पैसिव भी। तो दोस्तों, ये एक्टिव पैसिव क्या होते हैं? एक्टिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट शुरू में आता है, वो व्यक्ति जो वर्क कर रहा होता है वो सबसे पहले आता है। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर्म होता है वो सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, व्हेन वी हैव टू टेल अबाउट सम एक्शन व्हिच हैपेंस इन प्रेजेंट, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जनरली वी टेल रूटीन, लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स, डेली एक्शंस, फिक्स्ड शेड्यूल, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल हैपनिंग्स। सो दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस हम अपने चार सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सबसे पहले हम आई के साथ प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आई मतलब होता है मैं, क्योंकि अपने बारे में हम बहुत बात करते हैं, इसलिए आई के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम यू के साथ प्रैक्टिस करेंगे, यू मतलब तुम, यानी हमारे सामने वाला, उसके बारे में हम बहुत बात करते हैं इसलिए यू से प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे ही और शी के साथ, क्योंकि आई और यू जो है वो मिलकर किसी तीसरे पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही की या शी की। चलिए दोस्तों, अब हम वर्ब रखते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात हमें और याद रखनी है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती है, इसीलिए एक वचन सब्जेक्ट के साथ उसे यूज करने के लिए हमें उसे भी सिंगुलर फॉर्म में बदलना होता है, इसीलिए हम उसमें एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ब हम लेते हैं गो। मान लीजिए हमने ले लिया गो। गो मतलब जाना, बोलना है मैं जाता हूं, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। वह जाता है, He goes, वह जाती है, she goes। मैं नहीं जाता, I don't go। तुम नहीं जाते, you don't go। वह नहीं जाता, he doesn't go। वह नहीं जाती, she doesn't go। क्या मैं जाता हूँ, do I go? क्या तुम जाते हो, do you go? क्या वह जाता है, does he go? क्या वह जाती है, does she go? मान लीजिए हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है। मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। वह कहाँ जाती है, वेयर डज सी गो। मान लीजिए हम एक और वर्ब लेते हैं, थिंक। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। तुम सोचते हो, यू थिंक। वह सोचता है, ही थिंक्स। वह सोचती है, शी थिंक्स। नेगेटिव में बोलना है, मैं नहीं सोचता, आई डोंट थिंक। तुम नहीं सोचते, यू डोंट थिंक। वह नहीं सोचता, ही डजेंट थिंक। वह नहीं सोचती, शी डजेंट थिंक। क्या मैं सोचता हूँ, डू आई थिंक। क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक। क्या वह सोचता है, डज ही थिंक। क्या वह सोचती है, डज शी थिंक। क्वेश्चन वर्ड से पूछना है, क्या मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट डू आई थिंक। तुम क्या सोचते हो, What do you think? वह क्या सोचता है, What does he think? वह क्या सोचती है, What does she think? मान लीजिए हम एक और वर्ब लेते हैं, read, मतलब पढ़ना। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, I read newspaper। तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, You read newspaper। वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, He reads newspaper। वह न्यूज़पेपर पढ़ती है, She reads newspaper। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, I don't read newspaper। तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, यू डोंट रीड न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, ही डजंट रीड न्यूज़पेपर।
वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, शी डजेंट रीड न्यूज़पेपर। मान लीजिए क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, डू आई रीड न्यूज़पेपर। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डू यू रीड न्यूज़पेपर। क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, डज ही रीड न्यूज़पेपर। क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ती है, डज शी रीड न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर कब पढ़ता हूँ, पूछना है मैं न्यूज़पेपर कब पढ़ता हूँ, व्हेन डू आई रीड न्यूज़पेपर। तुम न्यूज़पेपर कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर कब पढ़ता है, व्हेन डज ही रीड न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर कब पढ़ती है, व्हेन डज शी रीड न्यूज़पेपर। मान लीजिए हम एक और वर्ब लेते हैं, डांस। मैं अच्छा डांस करता हूँ, आई डांस वेल। तुम अच्छा डांस करते हो, यू डांस वेल। वह अच्छा डांस करता है, ही डांसेस वेल। वह अच्छा डांस करती है, शी डांसेस वेल। मैं अच्छा डांस नहीं करता, आई डोंट डांस वेल। तुम अच्छा डांस नहीं करते, यू डोंट डांस वेल। वह अच्छा डांस नहीं करता, ही डजेंट डांस वेल। वह अच्छा डांस नहीं करती, शी डजेंट डांस वेल। क्वेश्चन पूछना है, क्या क्या मैं अच्छा डांस करता हूँ, डू आई डांस वेल। क्या तुम अच्छा डांस करते हो, डू यू डांस वेल। क्या वह अच्छा डांस करता है, डज ही डांस वेल। क्या वह अच्छा डांस करती है, डज शी डांस वेल। क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछना है, तो मान लीजिए पूछना है मैं इतना अच्छा डांस कैसे करता हूँ, हाउ डू आई डांस सो वेल। तुम इतना अच्छा डांस कैसे करते हो, हाउ डू यू डांस सो वेल। वह इतना अच्छा डांस कैसे करता है, हाउ डज ही डांस सो वेल। वह इतना अच्छा डांस कैसे करती है, हाउ डज शी डांस सो वेल। चलिए दोस्तों, अब हम पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस में हम इजारन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना है कि प्रैक्टिस करते समय हमें वो ही वर्ब लेनी है जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता हो, यानी कि हमें ट्रांजिटिव वर्ब लेनी है, क्योंकि वे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है उनका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल नहीं है। सो चलिए ले लेते हैं एक वर्ब, रिस्पेक्ट। मान लीजिए हमें बोलना है मेरी रिस्पेक्ट होती है, मेरा सम्मान होता है, आई एम रिस्पेक्टेड। तुम्हारा सम्मान होता है, यू आर रिस्पेक्टेड। उसका सम्मान होता है, किसी लड़के के लिए बोलना है, ही इज़ रिस्पेक्टेड। लड़की के लिए बोलना है, शी इज़ रिस्पेक्टेड। निगेटिव में बोलना है, यही बात, मेरा सम्मान नहीं होता, आई एम नॉट रिस्पेक्टेड। तुम्हारा सम्मान नहीं होता, यू आर नॉट रिस्पेक्टेड। लड़के के लिए बोलना है, उसका सम्मान नहीं होता, ही इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। लड़की के लिए बोलना है, शी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। क्वेश्चन पूछना है, क्या मेरा सम्मान होता है, एम आई रिस्पेक्टेड। क्या तुम्हारा सम्मान होता है, आर यू रिस्पेक्टेड। क्या उसका सम्मान होता है, इज ही रिस्पेक्टेड। क्या उसका सम्मान होता है, इज शी रिस्पेक्टेड। मान लीजिए हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन पूछना है, मेरा सम्मान क्यों होता है, वाई एम आई रिस्पेक्टेड। तुम्हारा सम्मान क्यों होता है, वाई आर यू रिस्पेक्टेड। लड़के के लिए बोलना है, उसका सम्मान क्यों होता है, वाई इज ही रिस्पेक्टेड। लड़की के लिए बोलना है, उसका सम्मान क्यों होता है, वाई इज शी रिस्पेक्टेड। एक और वर्ब लेते हैं, इन्फॉर्म। मुझे सूचना दी जाती है, आई एम इन्फॉर्म्ड। तुम्हें सूचना दी जाती है, यू आर इन्फॉर्म्ड। कोई लड़का है, उसको सूचना दी जाती है, ही इज़ इन्फॉर्म्ड। कोई लड़की है, उसको सूचना दी जाती है, शी इज़ इन्फॉर्म्ड। मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाता, आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड। तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया जाता, यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड। कोई लड़का है, उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता, ही इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड। लड़की है, उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता, शी इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड। मान लीजिए क्वेश्चन पूछना है, क्या मुझे इन्फॉर्म किया जाता है, एम आई इन्फॉर्म्ड। क्या तुम्हें इन्फॉर्म किया जाता है, आर यू इन्फॉर्म्ड। क्या उसे इन्फॉर्म किया जाता है, इज ही इन्फॉर्म्ड। क्या उसे इन्फॉर्म किया जाता है, इज शी इन्फॉर्म्ड। मुझे इन्फॉर्म कब किया जाता है, व्हेन आई एम इन्फॉर्म्ड। तुम्हें इन्फॉर्म कब किया जाता है, व्हेन आर यू इन्फॉर्म्ड। कोई लड़का है, उसे इन्फॉर्म कब किया जाता है, व्हेन इज ही इन्फॉर्म्ड। कोई लड़की है, उसे इन्फॉर्म कब किया जाता है, व्हाई शी इन्फॉर्म्ड। मान लीजिए हम और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं
लोग मारे जाते हैं, पीपल आर किल्ड. लोग नहीं मारे जाते, पीपल आर नॉट किल्ड. क्वेश्चन पूछना है, क्या लोग मारे जाते हैं, आर पीपल किल्ड, या फिर पूछना है लोग क्यों मारे जाते हैं, वाई आर पीपल किल्ड. और प्रैक्टिस करते हैं. बोलना है स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन इन स्कूल. बोलना है स्कूल में इंग्लिश नहीं बोली जाती, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन इन स्कूल. क्वेश्चन पूछना है, क्या स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, इज इंग्लिश स्पोकन इन स्कूल. स्कूल में इंग्लिश क्यों बोली जाती है, वाई इज इंग्लिश स्पोकन इन स्कूल. और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्कूलों में डोनेशन क्यों ली जाती है, डोनेशन इज टेकन इन स्कूल्स. मान लीजिए बोलना है स्कूलों में डोनेशन नहीं ली जाती है, डोनेशन इज नॉट टेकन इन स्कूल्स. क्वेश्चन पूछना है, क्या स्कूलों में डोनेशन ली जाती है, इज डोनेशन टेकन इन स्कूल्स. या फिर पूछना है स्कूलों में डोनेशन क्यों ली जाती है, वाई इज डोनेशन टेकन इन स्कूल्स. और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बराबर का मौका दिया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गिवन. बराबर को मौका नहीं दिया जाता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट गिवन. क्वेश्चन पूछना है, क्या बराबर का मौका दिया जाता है, इज इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन. बराबर का मौका मान लीजिए बोलना है क्यों नहीं दिया जाता, वाई इज इक्वल अपॉर्चुनिटी नॉट गिवन. और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चुनाव में झूठे वादे किए जाते हैं, फॉल्स प्रोमिसेज आर मेड इन इलेक्शन. चुनाव में झूठे वादे नहीं किए जाते, फॉल्स प्रोमिसेज आर नॉट मेड इन इलेक्शन. क्या इलेक्शन में झूठे वादे किए जाते हैं, आर फॉल्स प्रोमिसेज मेड इन इलेक्शन. इलेक्शन में झूठे वादे क्यों किए जाते हैं, वाई आर फॉल्स प्रोमिसेज मेड इन इलेक्शन. और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हिंदी सब जगह बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन एवरीवेयर. हिंदी सब जगह नहीं बोली जाती, हिंदी इज नॉट स्पोकन एवरीवेयर. क्या हिंदी सब जगह बोली जाती है, इज हिंदी स्पोकन एवरीवेयर. हिंदी कहाँ बोली जाती है, पूछना है हिंदी कहाँ बोली जाती है, वेयर इज हिंदी स्पोकन. तो दोस्तों, इस तरह से हम वर्ब लेकर बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं. वर्ब लेते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए. दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू दोस्तों.